हम बाबा जी। बोल बालक, क्या गश्त है तेरा? बाबा जी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है। ऐसा तेरा ढोलू सा शरीर है, गर्लफ्रेंड कहाँ से बनेगी? सुबह क्या खा के आया था? बाबा जी पिज्जा। पिज्जा होता है गोल गोल, तुझे कुछ अच्छा खाना पड़ेगा, जा जाके मोमोज खा। तेरी कुंडली में मुझे दोष दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है। तुझे एक अच्छी गाड़ी की जरूरत है, जा जैगुआर ले ले। लेकिन एक चीज का ध्यान रख, चार पहिए वाली नहीं, दो पहिए वाली लियो। बाबा जी मैं दो पहियों वाली जैगुआर ले आया हूँ। कहाँ पर है बालक? वो रही। बालक थोड़ा ध्यान लगा। Hey guys, this is Fatbacker Vaibhav. Look where I am today. I am in the most beautiful place in Delhi with the most cool looking bike. This is the Jaguar Fat Bike. अब लोगों की बहुत ज़्यादा request आई थी कि भाई Jaguar Fat Bike का review करो, Jaguar का review करो. So I bought this bike. ये मैंने OnTrack से purchase करी है. ये box में packed आई थी, तो फटाफट से इसकी unboxing कर लेते हैं. And this is my Jaguar Fat Bike. बॉक्स के अंदर से मुझे मिला है पेडल्स एंड इस सीट। काफ़ी लोग डरते हैं अनबॉक्सिंग करने के लिए, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ वेरी इजी। इसमें सिर्फ आपको फ्रंट वाला व्हील लगाना होता है। ये व्हील हो गया अलग। जो सीट है उसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है। आपको बस ये लीवर ओपन करना है, सीट को करना है इंसर्ट एंड इंस्टॉल। लास्ट में जाएंगे ये वाले पेडल्स। माई न्यू जैगुआर फैट बाइक इज जस्ट असेंबल। इसमें बस मुझे हवा डालनी है एंड फिर इसके टेस्ट राइड करता हूँ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने सबसे पहले ये बाइक देख ही ली होगी। वैसे मैंने पोल किया था कि मेरी नई बाइक फैट बाइक होगी या एमटीबी। मोस्ट ऑफ देम सेड कि एमटीबी होगी, बट देन दिस इज द फैट बाइक। सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रेम की। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक जैगुआर का साइन है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो साइन है कंटिन्यू होकर हेड ट्यूब में जाता है इन वन मोशन एंड काफ़ी क्लियर लुक्स देता है इस बाइक को। एज यू कैन सी जो हैंडल बार है उसकी विड्थ थोड़ी सी नैरो है, टू बी एग्जैक्ट दैट 600 mm। एक फैट बाइक पे इतना पैडल हैंडल बार मैंने पहली बार देखा है। मे बी दैट इज कि जो आप राइड करते हैं तो ये अलग सी फीलिंग देता है आपको। जो आपके हैंड्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। देन ये जो हैंडल बार है वो भी फ्लैट है। अगर हम फॉक की बात करेंगे तो ये बॉडी कलर का फॉक है एंड इसमें OnTrack का लोगो भी लगा हुआ है। द सस्पेंशन लुक्स वेरी गुड, परफॉर्मेंस वाइज इट्स एवरेज। नीचे आप देख सकते हैं तो 160 mm की डिस्क है फ्रंट एंड बैक। मैंने इसको टेस्ट किया डिस्क को एंड इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी फॉर अ फैट बाइक। अगर हम पीछे ड्राइव ट्रेन को देखेंगे तो दैट्स अ शिमानो टोर्नी 7-speed सिस्टम। अगर आप नॉर्मल किसी भी फैट बाइक पर देखते हैं जो कि स्टील की होती है तो उस पर जनरली साइगिन का गेयर्स आते हैं या फिर कोई कॉपी गेयर्स आते हैं, जैसे शिमानो को शिमिनी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो इससे वो वाला मुझे नहीं दिखा। फ्रंट पे आप देखेंगे तो उसमें भी एक 3-speed गेयर्स हैं जो कि बॉटम ब्रैकेट से लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। The total combination is 21 gears. The tires are massive 4-inch wide. It's normal for a fat bike to have such tires.
अगर हम लेडी साइकिल की बात करेंगे तो उसमें वी शेप का डिजाइन आता है, बट दिस ओवर हियर हैज अ स्ट्रेट एंड, एंड अगर हम नीचे उतरेंगे इट हर्ट्स। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि मेन के लिए इतनी हाइट टॉप ट्यूब क्यों देते हैं यार, हमें भी दर्द होता है। द रिम्स ऑन दिस बाइक हैव होल्स इन देम, दैट इज टू सेव वेट। एंड इस पर अगर आप देखेंगे तो रबर की लाइनिंग लगी है जो कि येलो कलर की है, जो साइकिल के हिसाब से बहुत अच्छी जाती है। जो ऑन ट्रैक का लोगो है इस पे वो ब्लैक एंड सिल्वर कलर का है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। एंड इसके फॉन्ट्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। जो इसकी सीट है वो मुझे काफ़ी पसंद आई, स्पेशली इस पर जो डिज़ाइन है वो पसंद आया, एंड जो कम्फर्ट था वो भी अच्छा था। दिस ईयर इज़ अ जैगवार फैट बाइक। अगर आप सोच रहे हैं कार मैन्युफैक्चर जैगवार की तरफ से है तो ऐसा नहीं है, दिस इज द मॉडल ऑफ जैगवार, द कंपनी नेम इज ऑन ट्रैक। आई चूज द येलो कलर बिकॉज मुझे ये बहुत ज़्यादा यूनिक लगा, एंड स्पेशली येलो एंड ब्लैक वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। अगर आप कलर्स की बात करेंगे तो इसमें और भी कलर्स आते हैं, यू हैव द ब्लैक, यू हैव द रेड, ऑरेंज एंड और भी कलर्स हैं। दिस इज स्लो, दिस इज स्लगिश, यू नेवर गोना विन सम रेसेस, बट देन डिज़ाइनर आपको चाहता था कि आप राइड एंजॉय करो, ताकि आप धीरे से इसको राइड करें एंड इसकी फीलिंग का मजा लें। नाउ द बिग क्वेश्चन, कैन इट बी ली? आप देख सकते हैं इसका फ्रेम स्टील का है, दैट मीन्स के 21 से लेकर 22 केजीज का इसका वेट होगा, तो ये काफ़ी हैवी होगी व्हीली करने के लिए, एंड स्पेशली इट्स अ फैट बाइक तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। बट टेस्ट करते हैं कि मैं व्हीली कर सकता हूँ कि नहीं। एंड यस, मैं इजीली इस पर व्हीली कर सकता हूँ, एंड दैट्स बिकॉज जो इसके फ्रंट गियर्स हैं उनकी वजह से मैं आराम से इस पर व्हीली कर सकता हूँ। आई थिंक इज वन ऑफ द कूलेस्ट लुकिंग फैट बाइक दैट आई हैव, एंड मैं इसको अपनी कलेक्शन में भी रखने वाला हूँ। हाँ जी भैन जी, किदी किट्टी निकली? रजनी भैन जी दी? अच्छा फिर चटनी अच्छी नहीं सी उत्थे? ओ टिफिन नहीं दिता? हाय मैं मर गई भैन जी, जद फाइव स्टार च सी ना तो मैं पूरे 10 रुपए टिप दिते सी। भैन जी इज्जत दी गल हुंदी है, एवें नहीं करना चाहिदा, पता नहीं किवें किवें दे लोग हैगे ने। ए लै नवी साइकिल, लै भैन जी फिर नवी साइकिल लैके आ गया है। भैन जी मैं इन्ना समझाया, पेड़ से पैसे नहीं लगते पुत्र, पुत्र नहीं लगते, फिर भी इन्हें किसी की मनी है भैन जी, हूँ तो मैं कहना ही छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसका प्राइस क्या है, ये आपको कहाँ से मिलेगी? जो इसके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जैसे नंबर, ईमेल आईडी, जो इस कंपनी का इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं आपको सारे नीचे दे दूंगा, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी आप सोच रहे होंगे कि आपको फैटबैक लेनी चाहिए या एमटीबी लेनी चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं एंड मे बी आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इट्स टाइम फॉर मी कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में से एक 3 लकी क्वेश्चंस लूँ एंड उनका आंसर करूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अनुष्का गजदर का, हाई आई एम ए बिग फैन ऑफ योर वीडियो, स्पेशली द नॉलेज यू गिव, आई वॉज थिंकिंग टू बाई अ साइकिल इन बजट ऑफ 10 to 12,000, प्लीज रेफर मी अ गर्ल स्पेसिफिक बाइक, इज लेडी बर्ड गुड? तो अनुष्का आई वांट टू से थैंक यू सो मच, आपका बजट है 10 to 12,000, व्हाट आई वुड से कि आप लेडी स्पेसिफिक बाइक ना लेके एक यूनिसेक बाइक ले लीजिए। आजकल जो भी साइकिल्स होती हैं वो सारी यूनिसेक्स ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेल होती हैं। बाकी थोड़ा सा हर्ट तो होगा जैसे इसमें मुझे हुआ है, लेकिन आपको वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। तो आप मार्केट में जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे सॉर्ट आउट हो जाते हैं आप मुझे मॉडल्स बता दीजिए विद प्राइस एंड मैं आपको बता दूंगा आपके लिए बेस्ट कौन सी है। चंद्रशेखर एसके पूछते हैं आर यू मैरिड? हाँ मैं मैरिड हूँ, मेरे 4 बच्चे भी हैं, आना जरूर मिलना। केशव भगत पूछते हैं फायरफॉक्स हैज लॉन्च सो मेनी न्यू मॉडल्स, व्हाई डोंट यू रिव्यू देम? आई वाज थिंकिंग टू बाय मॉन्टाना, प्लीज गिव मी द रिव्यू, आई एम सो कंफ्यूज्ड। वेल केशव, आई नो कि फायरफॉक्स ने काफ़ी सारे मॉडल्स रिलीज करे हैं, उन्होंने मुझे रिलीज होने से पहले भी अप्रोच किया था रिव्यू के लिए, बट देन रिव्यू मैंने क्यों नहीं किया, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा कम टाइम लिमिट दी थी, पर बाइक उन्होंने कहा था कि 1 वीक ही मिलेगा एंड मुझे नहीं लगता मैं 1 वीक में एक रिव्यू करूँ एंड उसकी वीडियो भी डाल दूँ, मुझे टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने फायरफॉक्स की कोई भी रिव्यू नहीं करी एंड मैंने उनको रिटर्न कर दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये साइकिल पसंद आती है तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी ऐसी साइकिल देखें तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं एंड ऐसे और भी कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे जो बेल आइकन है आप उसको भी दबा सकते हैं, उससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएंगी। दिस इज फैट बाइक वैभव साइनिंग ऑफ। कोटि-कोटि प्रणाम बाबा जी। बोल बालक, क्या कष्ट है? बाबा जी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन जाए। बहुत धीरे बोल रहा है, आवाज नहीं आएगी। प्रणाम बाबा जी। बालक क्या हुआ? जो आपने क्या ये बोल रहा है? अरे भाई 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 आया नहीं, छोड़ दोबारा यार, इतनी मुश्किल से करो।
shoot lasers. You ain't crazy, Luke Cajun. Turn up heavy, we raging. Lights burning, we set blazes. We set blazes. We set blazes.